तो फ्रेंड्स एक कटोरी आटे से बनाए बहुत ही अच्छा नाश्ता फ्रेंड्स, जो कि सब्जी रोटी खाते हुए उग गए हैं, तो ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी हो। तो फ्रेंड्स गूथे हुए आटे से बनाए बहुत ही अच्छे गेहूं के आटे। मैं ममता सिंह माइटू चला ममता है संतोष ब्लॉग में स्वागत है। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे फ्रेंड। तो जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ आप लोग बहुत ज्यादा प्यारा सपोर्ट देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से आज मैं नए रेसिपी में फ्रेंड। और क्या होता है फ्रेंड कि बच्चे लोग को डेली सब्जी रोटी हम लोग बना के देते हैं, तो बच्चे लोग मतलब उसको खाते हैं खाते खाते। तो फ्रेंड्स बहुत ही सरल तरीके से गेहूं के आटे से बनाऊंगी आप लोग को बहुत ही हेल्दी नाश्ता, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही कम समय भी बन जाता है और इस बच्चों के लिए हेल्दी भी रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए बताती हूँ और क्या क्या सामग्री चाहिए, और मेरे पूरे वीडियो बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक शेयर जरूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, मेरे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं गेहूं का आटा है फ्रेंड, और एक कटोरी में आटा ली अच्छे से इसको मैं चाल ली फ्रेंड। थोड़ा सा मेरा मोटा है फ्रेंड, जो कि आटा को थोड़ा मोटा फ्रेंड बहुत ही अच्छा लगता है, और रोटी भी मोटे आटे के खाना चाहिए जो कि शरीर के लिए हेल्दी होता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैं एक कटोरी आटा ली हूँ, इस बर्तन में मैं निकाल लूँगी इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ली हूँ फ्रेंड, इसमें कोई ऑयल कोई मतलब तेल का या ऑयल का फ्रेंड मात्रा इसमें मैं नहीं डालूंगी। और नमक से फ्रेंड बहुत ही अच्छा मतलब इसको आप चाहे तो अगर बचा हुआ आटा है फ्रेंड डो बना के रखे हुए हैं तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड जब भी मतलब बच्चे लोग को खाने का मन करता है तो मैं फ्रेश ही आटा गूंथती हूँ फ्रेंड, और नमक को इस तरह से आटे में मिक्स कर लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी फ्रेश मैं डालते हुए इसका एक डो बना लूँगी। थोड़ा टाइट डो ही बनाना है फ्रेंड, देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा डो इस तरह से पानी डालते हुए मैं बना लूँगी। और फ्रेंड घर पर जो भी फ्रेंड बच्चे लोग को बना के खिलाए बहुत ही हेल्दी होता है। मार्केट का फ्रेंड मतलब मिलावट तो होता है लेकिन हेल्दी नहीं रहता है। घर का जो सामग्री फ्रेंड और सारा जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, तो आटा गेहूँ का आटा फ्रेंड सबसे ज़्यादा हेल्दी है। और मैदे का कम मात्रा में फ्रेंड मैं यूज कम करती हूँ, और आटा गेहूँ के आटे देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा टाइट में डो बना ली थी। देख सकते हैं थाली में भी नहीं लगाया और कोई भी इसमें तेल भी नहीं मैं इसमें डाली हूँ। तो देखिए फिर कितने अच्छे से मेरा आटा अच्छे से मैं डो बना ली हूँ, और इसको फिर थोड़े देर तक इस तरह से मैं रहने दूंगी और इसको साइड में रख देती हूँ। और क्या चाहिए आप लोग को, मैं ली हूँ पत्ता गोभी और फ्रेंड्स एक बड़े साइज का प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया एक देख सकते हैं एक डंठल ली हूँ फ्रेंड, और छोटे साइज का मैं ली हूँ टमाटर, और ये फ्रेंड्स शिमला मिर्च। तो जितना फ्रेंड्स हमको चाहिए उतना इसमें से मैं कट करूँगी। तो इसमें से देख सकते हैं फ्रेंड्स जितना हमको शिमला मिर्च चाहिए फ्रेंड इसको इस तरह से मैं कट कर ले रही हूँ। इसमें और सारा सब्जियाँ फ्रेंड्स डाल सकते हैं, तो फिर इसको मैं साइड में रख दे रही हूँ और इसको इस तरह से मैं कट कर लूँगी। तो थोड़ा बड़ा पीस ही मैं शिमला मिर्च थोड़ा बड़ा ही काटूँगी, फिर आप चाहे तो छोटा भी काट सकते हैं। देख सकते हैं शिमला मिर्च में मैं छोटे छोटे पीस में कट कर ली फिर, और यहाँ पर पत्ता गोभी फिर और प्याज को भी फ्रेंड, और टमाटर को भी, और हरा धनिया को फिर, मर्चा को भी फिर। मर्चा मैं एक ही ली हूँ फिर क्योंकि बच्चे लोग तीखा नहीं खाते इसीलिए। तो देखिए फिर इतना मैं सब्जियाँ कट कर ली हूँ, और मेरा आटा भी अच्छे से 5 मिनट हो गया फिर अच्छे से वो रेस्ट हो गया है। तो चलिए सारे सब्जियों का भी मतलब ज़रूरत नहीं है, और इसमें और सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं फिर। तो मेरे पास इतना सब्जियाँ था फिर इसलिए मैं इतना ली हूँ, तो इसको साइड में रख देती हूँ। और फिर देख सकते हैं आटा भी अच्छे से हो गया है, इसको इस तरह से हाथ के सहायता से एक बार और इस तरह से हाथ से ही मैं गूंथ लेती हूँ अच्छे से, और नरम भी हो जाएगा। इसमें कोई तेल फ्रेंड्स नहीं, मैं बस नमक डाली हूँ। बहुत ही अच्छा नाश्ता, या जब भी मन करे फिर इसको आप लोग बच्चों को टिफिन में या घर के फैमिली को किसी को भी बना के खिला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। गेहूं सकते हैं यहाँ पर मैं चौका ले ली हूँ फ्रेंड, और इस तरह से कॉटन इसके नीचे में बिछा दी हूँ फ्रेंड, जो एक्स्ट्रा आटा है इसी पर गिरेगा। तो देखिए फ्रेंड इसमें से जितना हमको आटा चाहिए छोटा छोटा जिस तरह से हम लोग रोटी का बनाते हैं फ्रेंड उस तरह से मैं यहाँ पर 3 बना लेती हूँ, और इस तरह से रोटी के आकार का फ्रेंड इसको बेलना है इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ मैं आटा ले रही हूँ फ्रेंड लगाने के लिए इस तरह से बेलन के सहायते से इसको इस तरह से मैं बना लूँगी। थोड़ा सा इसमें आटा लगा लेती हूँ फ्रेंड,
देख सकते हैं यहाँ पर मैं रोटी आकार का बेल ली फ्री। आप चाहे तो पूरे मतलब ये जो चौका फ्री इस तरह से इतना बड़ा साइज भी ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। देख सकते हैं इतना मोटा मैं रखी हूँ, जिस तरह से रोटी बनता है फिर बस उसी आकार का बनाना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक ढक्कन ली हूँ, आप चाहे तो जो पेप्सी का मतलब ढक्कन आता है वो भी ले सकते हैं, या घर में जो भी दवा का फ्रेंड ढक्कन है वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास दवा का फ्रेंड था, तो देखिए फिर इस तरह से इसको इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट करना है, इस तरह से बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा फिर। तो देखिए फिर कितने अच्छे से कट हो रहा है, देखिए कितने अच्छे से। तो इस तरह से मैं सारे कट कर लेती हूँ। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर मैं अच्छे से कट कर ली हूँ और बहुत ही आसान तरीके से फिर निकल जाता है। देखिए इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ, देखिए फिर इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है छोटा छोटा इस तरह से। तो इसको किस तरह से बनाना है फिर आप लोग को भी दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं गिलास में थोड़ा सा पानी ली हूँ फिर, और इस तरह से ये इस साइड लगाना है और इस साइड लगाना है फिर, और इसको इस तरह से फोल्ड करना है इस तरह से। तो देखिए फिर इस तरह से फोल्ड करना है सारे आटे को, डिजाइन थोड़ा देना है तो बच्चे लोग भी खा जाएंगे और लगेगा कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड पानी लगाना है, अच्छे से चिपक जाएगा फिर इस तरह से। तो इस तरह से मैं सारे आटे को फिर गेहूं के आटे को इस तरह से देख सकते हैं फिर कितना अच्छा फ्लावर जैसा बन गया। और इसमें थोड़ा सा फिर थोड़ा ही पानी लगाना है इसकी ये चपक जाए ना, अगर बिना पानी का फिर ये अलग करेंगे तो ये खुल जाएगा और मतलब सादा ही मतलब रोटी जैसा रह जाएगा। तो देखिए फिर इस तरह से मैं सारे फ्लावर बना ली हूँ। तो देखिए फिर कितना प्यारा लग रहा है देख सकते हैं। तो फिर देख सकते हैं गेहूं के आटे से थोड़े ही आटे से फिर बहुत बढ़िया नाश्ता हम लोग बना सकते हैं। और फिर चलिए चलते हैं किचन के पास में और इसको किस तरह से हम लोग बना सकते हैं किचन में, और इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे मतलब मैं बना के आप लोग से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी और किस तरह से बनता है आप लोग से मैं बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैं कढ़ाई रख दी और गैस को भी देख सकते हैं ऑन कर दी फ्रे, और इसमें फ्रेश एक गिलास पानी डालना है। देख सकते हैं फिर एक गिलास में पानी और इसको इस तरह से इसमें डालना है। तो फिर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पानी गर्म हो गया है, देख सकते हैं इसमें बबल भी आने शुरू हो गए हैं। तो जो ये फ्रेश मैं बनाई हूँ आटे का इसको इसमें डाल दूंगी इस तरह से, ये चपकेगा भी नहीं फ्रे, ये आटा का है इसलिए चपकेगा भी नहीं, और ये अच्छे से पानी में अच्छे से उबल जाएगा और ऊपर आ जाएगा। तो देखिए फिर इस तरह से मैं डाल देती हूँ, और इसको अभी फ्रेश हिलाना नहीं है, इसको हाई फ्लेम पर इस तरह से उबलने देना है। तो चलिए फिर इसको उबलने देती हूँ, थोड़ा ढक देती हूँ तो गैस भी कम लगेगा और अच्छे से उबल भी जाएगा फ्रेंड। चलिए इसको आप लोग को हटा के मैं दिखाती हूँ ढक्कन को। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ऊपर उबल के आ रहा है देख सकते हैं, थोड़ा सा ये और उबल जाएगा तो ये पानी के ऊपर आ जाएगा, तो समझिए पक गया है अच्छे से। जिस तरह से हम लोग फ्रेंड्स फारा बनाते हैं बस उसी तरह से कुछ फारे मतलब सारे मसाले और दाल भरना पड़ता है। और ये फ्रेंड्स है जो कि अच्छे से बस आटे सादा आटा से फिर, और इस तरह से देखने में बच्चों को थोड़ा अलग भी लगेगा और बच्चे लोग भी इसको बहुत अच्छे से मतलब पसंद करके भी खाएंगे। तो देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से ये उबल गया है देख सकते हैं, पानी भी पानी के ऊपर आ गया है फ्रेंड, तो ये पक गया है फ्रेंड। इसको चलिए मैं बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से चपक भी नहीं रहा है आपस में, देखिए अलग अलग है सारा, और इसमें कोई भी तेल नहीं डाली हूँ फ्रेंड, बस पानी समय पकाई हूँ। तो देखिए अच्छे से मैं जो कि कढ़ाई के जो पानी था वो निकाल दी हूँ, और यहाँ पर मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी फ्रेंड। तो थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ फ्रेंड, और थोड़ा सा ये लाल हो जाएगा उसके बाद मैं जीरा डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा ले ली हूँ, थोड़ा जीरा चटक जाएगा उसके बाद जो भी मैं सब्जियाँ काटी हूँ फिर उसको एक एक मैं थोड़ा हल्का भून लूँगी। चलिए जीरा थोड़ा मैं चटकने देती हूँ, फिर इसको मैं निकाल दी हूँ अलग प्लेट में, तो थोड़ा ही ठंडा हो जाएगा फिर इसको इस तरह से फैला देती हूँ। तो देखिए फिर कितने अच्छे से फूल गया है और बड़ा साइज़ भी हो गया है आटे का, तो इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ इस तरह से फिर, और इसको फैला देती हूँ। तो देखिए फिर मेरा यहाँ पर जीरा चटक गया है, और जो मैं हरा मिर्च काटती हूँ उसमें डाल देती हूँ। देखिए फिर यहाँ पर जो हरा मिर्च भी अच्छे से लाल हो गया है, तो जो मैं प्याज काटी थी उसमें डाल दूँगी, और इसको भी थोड़ा सा हल्का भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा इसमें जो है भूनना है। देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा प्याज थोड़ा सा लाल हो गया है, तो ये जो है शिमला मिर्च कटती हूँ इसमें मैं डाल दूँगी, और पत्ते गोभी को भी हल्का इसको भून लूँगी फिर,
और टमाटर को भी इसमें अभी हरा धनिया मैं लास्ट में डालूंगी इसे, इसलिए इसको मैं सारे भून लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर से, थोड़ा सा फिर हल्दी, थोड़ा सा फिर नमक, नमक क्योंकि फिर मैं आटे में डाली थी इसलिए थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ कि सारे जो सब्ज़ियाँ थी अच्छे से गल जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं, मतलब थोड़ा इसको हल्का बस लाल करना है। सारे सब्जियों को मसाले को इस तरह से सब्जियों में मिक्स कर देती हूँ। फिर देख सकते हैं यहाँ पर मैं नींबू ली हूँ, अगर आप लोग के नींबू पास नहीं होते तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और इसमें टमाटर केचप भी डाल सकते थे। तो मैं मतलब जब खाऊंगी फिर उसके साथ मैं डालूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नींबू फिर आधा नींबू ली हूँ, फिर इसको इस तरह से, क्योंकि खाने में नींबू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फिर तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैं सब्जियाँ हल्का मतलब लाल हो गया है, देख सकते थे, और एकदम को मतलब सब्जी को गलाना नहीं है। फिर तो ये जो फ्रेंड्स मैं बनाई हूँ मतलब ये आटे का, इसमें मैं डाल दूँगी और इसको इस तरह से सब्जियों को मिक्स कर दूँ फिर। और गैस को यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी फिर, देख सकते हैं यहाँ पर मैं गैस बंद कर दी हूँ और ऊपर से मैं धनिया डाल दूँगी फिर इस तरह से, और इसको अलग बर्तन में निकाल देती हूँ। फिर देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया। आप चाहे तो जब भी मन करे फिर इस तरह से बना सकते हैं, बच्चे लोग भी बहुत ही चुआ से खाएंगे। तो देखिए फिर लग रहा है कि बहुत ही आटे के गेहूं के आटे के जैसा फिर, लेकिन लग नहीं रहा है कि गेहूँ के आटे से हम लोग बनाए हैं, लेकिन गेहूँ के आटे से इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसका टेस्ट करके बताते हैं, और इसमें और सारे जो सब्जियाँ बच्चे लोग नहीं खाते हैं फिर इसमें भी डाल के हम लोग पका के बच्चे लोग को खिला सकते हैं। तो चलिए आप लोग को टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। तो यहाँ पर ऊपर से मैं थोड़ा सा केचप डाली हूँ, टमाटर केचप थे, आप चाहे तो तीखी चटनी के साथ या जो भी चटनी आप लोग को पसंद है उसके साथ खा सकते हैं। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं। बहुत अच्छा फिर लग रहा है कि मैक्रोनी जैसे हम लोग मार्केट से लाते हैं बनाते हैं, तो फिर वो मैदे का होता है, तो हम लोग आटे से इस तरह से बच्चे लोग को भी अलग थोड़ा बना के नाश्ता या जब भी मन करे टिफिन में भी दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फ्रेश लग रहा है, और जो हम लोग नींबू डाले हैं फिर उसका नींबू का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है। फिर आज का मेरा रेसिपी का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। फिर इस तरह से हम लोग घर पर भी हेल्दी खाना मतलब जो भी फिर बच्चे लोग नहीं खाते हैं इस तरह से थोड़ा सा हेल्दी घर पर भी जो भी घर का सामग्री फिर हेल्दी खाना बना सकते हैं और खिला भी सकते हैं बच्चे लोग को। तो इस तरह से बनाएंगे फिर तो बच्चे लोग बहुत ही पसंद करके और चॉइस का मतलब बहुत ही एंजॉय करके खाएंगे। तो फिर आज का मेरा रेसिपी का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, जो भी गलती उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो मिलती हूँ ऐसे नए रेसिपी के साथ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।